अभी देखिए कोविड के संकट का यह समय है और इस कोविड के खिलाफ लड़ाई देश भी लड़ रहा है, प्रदेश भी लड़ रहा है, और आप इसमें सहयोग करिए। धन्यवाद। जब अचानक कितना बड़ा संकट आया उसमें बहुत सारी, हम जानते हैं सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, लेकिन भविष्य में इस प्रकार का कोई संकट ना आवे ये प्रार्थना करते हुए, अगर आएगा कोई संकट तो उससे निपटने के लिए, या जो श्री उमेश जायसवाल जी जो प्रभा इंडस्ट्री के नाम से अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, इन्होंने CSR, इनका जो लाभ होता है उस लाभ में से CSR का फंड समाज के लिए जो खर्च करने का काम किया है, इनको मैं बधाई देते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे वेंटिलेटर की समस्या हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके समाधान के उपाय सब किए जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है, और भी कई परियोजनाएं इस प्रकार की यहाँ प्रयाग में आ रही हैं, प्रदेश में आ रही हैं, और देश के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की जा रही है। लहर से लड़ने के लिए तैयार है प्रदेश? हाँ, तैयार है। धन्यवाद सर। ये किस तरह की स्कीम, आगे की क्या परियोजनाएं हैं? देखिए यहाँ पर श्री उमेश जायसवाल जी हैं, प्रभा इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके अपने लाभ का जो वंश है वह समाज की सेवा में समर्पित करने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर रहे हैं। माननीय नितिन गडकरी जी जो भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं, हम सबके नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया। मुझे भी इस अवसर पर रहने का सौभाग्य मिला, और आने वाले समय में ऑक्सीजन का संकट प्रयागराज सहित प्रदेश को नहीं किसी प्रकार से झेलना पड़े इसकी तैयारी की गई। तीसरी लहर की किस तरह की तैयारी? तीसरे लहर को लेकर के लगातार तैयारी है, और जो भी देश के हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें बन गई हैं, कुछ चीज़ें बहुत सारे महापुरुष जिनको याद नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो मार्ग हैं उसमें हम जो लगाते हैं यूनिक पोल वगैरह, उसमें ऐसे महापुरुषों को, ऐसे बलिदानियों को, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, ऐसे समाज सेवियों को स्मृति में उनका नामकरण करेंगे। क्या लगता है कि लोग इतिहास के भूलते जा रहे हैं, इसलिए नहीं, प्रयास वर्तमान पीढ़ी को प्रयास करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को अपनी जो जानकारी है वो उपलब्ध करा करके।